हेलो गाइस, वेलकम टू न्यूज़ अपडेट। प्लीज जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेना। गाइस, शहनाज गिल का खुद का गाना धूप लग दी। जी हाँ, कमाल का सॉन्ग है। कमाल का मतलब आप एक बार सुनेंगे तो लगातार सुनते चले जाएंगे। ये गाना उन्होंने सिद्धार्थ के लिए गाया है। जी हाँ, चलिए मैं आगे दिखाती हूँ, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हैशटैग डाला है और जो इस रील के थ्रू बताने की कोशिश की है, वो आप भी समझ जाएंगे। फैंस तो समझ ही गए हैं। गाइस, वैसे आप सभी को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ये वाला गाना जाके देखिए, जिसने देखा है, और कई बार देखिए, क्योंकि जितना एफर्ट शहनाज ने इस गाने पर डाला है, जितना इमोशंस उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, इसके अलावा जितनी मेहनत की है इस गाने पर, मतलब उतना प्यार नहीं मिला है इस गाने को। शहनाज गिल का नाम, कहते हैं ना, नाम ही काफ़ी है। तो जो भी प्रॉब्लम हुई है इस बार, कई बार एंगेजमेंट को लेके हो जाती है दिक्कत यूट्यूब पर भी। अगर उस तरह की दिक्कत है तो ये सॉन्ग बाद में भी चल जाएगा, लेकिन जितनी शहनाज ने मेहनत की है, उनकी वो मेहनत लोगों तक पहुंचनी चाहिए, दिखनी चाहिए। इसीलिए आप सब तो कर सकते हैं ये, आप सब उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनके फैंस मेहनत करने में लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं, जब से गाना आया है, मतलब इतना हल्का रिस्पांस शहनाज की, इनफैक्ट रील्स पे भी नहीं रहता है। जो वो किसी के साथ कॉलैब छोड़िए, आप वो एवं भी डाल देंगी ना, लाइक कवर सॉन्ग, चाहे यूट्यूब पे डाल दें, चाहे इंस्टाग्राम पे डाल दें। आपने देखा है, इतने व्यूज़ तो उनके फ़ैन पेजेस पर, और उनके लिए जब हम वीडियो बनाते थे या वो कहीं और चैनल्स भी डाल दें, जब आ जाते हैं। इतना ही नहीं, शहनाज प्रमोशंस में भी काफ़ी मेहनत कर रही हैं। हालांकि गाना आने से पहले DMF की तरफ से कोई खास तैयारियां नज़र नहीं आईं। जी हाँ, कुछ तैयारियां गाना आने से पहले भी करनी चाहिए थी। एक तो ये है ना, आजकल लोगों को तड़कते भड़कते गाने चाहिए। इस तरह के गाने लोग वीडियो में कम, और आप जैसे Spotify हो गया या जो भी म्यूज़िक साइट्स हैं, वहाँ पर सुनना पसंद करते हैं। इस गाने को लेकर एक चीज़ और बताना चाहूँगी। जैसे ही टीज़र आया था, आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी देखा था, तो सबको, आपको लगा था ना कि इसकी एंडिंग सैड एंडिंग होने वाली है, क्योंकि सैड सॉन्ग ही लग रहा था। तो भाई, ये एक इंतज़ार, मतलब कोई प्रेमिका इंतज़ार कर रही है, इस तरह से है। तो शहनाज ने इसको सैड एंडिंग ना देते हुए इसको, एक इंतज़ार को ख़त्म किया, और जैसे वो लौट के आया वापस, वो चीज़ उन्होंने एकदम अलग की। और देखिए, जब शहनाज ने ये वाली रील डाली ना, तो उन्होंने कुछ हैशटैग डाले, धूप लग दी, हैशटैग शहनाज गिल, हैशटैग फॉर यू, हैशटैग लव। तो आप हैशटैग फॉर यू और हैशटैग लव का मतलब आप समझ ही सकते हैं किसके लिए है हैशटैग फॉर यू। इस वाली रील को देखकर आप उनके इमोशंस को, उनके मतलब जज्बातों को ईजीली समझ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, जो उनके फैंस कर रहे हैं। आप इस वाली रील का कमेंट सेक्शन जाके देखिए, सिर्फ सिद्धार्थ और शहनाज के नाम से ही भरा हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको यही मानना ज़रूरी है कि भाई उन्हीं के लिए गाए। सबकी अपनी अपनी, कहते हैं ना कि सोच है, अपने अपने इमोशंस हैं। तो अगर कोई मान रहा है तो उसमें भी बुरा नहीं, किसी को नहीं लग रहा है तो उसमें भी बुरा नहीं है। आपस में बहस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सपोर्ट करना है तो शहनाज को कीजिए, उस पर मेहनत कीजिए। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहें और शहनाज को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू गाइस।